नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लोकसभा चुनाव 2024 में पांचवें चरण के तहत अमेठी और रायबरेली सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे और उसके पहले दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी खुद अमेठी और रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं, खूंटा गाड़े हुए हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक तरफ अमेठी को रिटेन करने के लिए और कांग्रेस से रायबरेली छीनने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इस बार अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, वो अब से पहले के चुनावों में कभी देखने को नहीं मिला। इसके पहले अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया करती थी और उसके बाद ग्राउंड पे यानी कि चुनावी मैदान में उस तरह से सपा के कार्यकर्ता कभी प्रचार करते या खुद अपनी ताकत लगाते नजर नहीं आते थे। लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पे पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया कि इस तरह लड़ाई लड़ें जैसे कि आपकी अपनी पार्टी मैदान में है और उसका असर होता हुआ अमेठी और रायबरेली में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पे प्रियंका गांधी जब भी किसी सभा के लिए पहुंचती हैं तो न सिर्फ मंच पर बल्कि भीड़ में भी आपको सपा कार्यकर्ताओं की लाल टोपियां, झंडे तुरंत नजर आने लगते हैं। मंच पर भी सपा के नेताओं को जगह दी जाती है, अगर वक्त होता है तो उनकी तरफ से संबोधन भी दिया जाता है और इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है वो पहली दफ़ा रायबरेली में देखने को मिल रहा है, अमेठी में देखने को मिल रहा है, जहां इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बताते हैं कि पहली दफ़ा चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, इसके अलावा जो गठबंधन है उसकी जो मीटिंगें हैं वो पहले से ही होनी शुरू हो गई थी, इसलिए समन्वय ग्राउंड पर बेहतर नजर आ रहा है और हर सभा में सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। आपको याद होगा 2017 में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन कार्यकर्ता ऐसा बताते हैं कि अंतिम वक्त में वो गठबंधन हुआ था और उस वक्त तैयारियां उस तरीके से नहीं हो पाई थी, इसलिए जमीन पर वो गठबंधन उस तरीके से पूरे प्रदेश में ना तो काम कर पाया और उसका असर भी उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो तैयारी है वो पक्की नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी साफ तौर पे इन दोनों सीटों पर अपना पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिए हुए हैं और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यहाँ अमेठी में केएल शर्मा के लिए और रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए लगातार सभाएं कर रही हैं, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को संबोधित कर रही हैं और उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में माना जा सकता है कि ये जो समन्वय दोनों पार्टियों के बीच है, इसका एक सकारात्मक संदेश वोटरों के बीच भी जा रहा है। उनकी जो लामबंदी है वो भी तेज हो रही है और मुकाबला इस तरह से बहुत ही कड़ा होता जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये देखने को मिलेगा कि ये समन्वय क्या वाकई रंग लाया या नहीं। ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।